हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे नाइकॉन D5300 कैमरा का। और गाइस, ये सेम ट्यूटोरियल आप नाइकॉन D5500 कैमरा और 5600 कैमरा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उस कैमरा और इस कैमरा में बेसिक डिफरेंस ये है कि उसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती, बट बाकी सारी सेटिंग्स और फीचर एग्जैक्टली सेम है गाइस। तो एक बार इस कैमरे का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पीछे आपको ये डिफरेंट बटन्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके डिफरेंट मेन्यूज़ में नेविगेट कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, उसके अलावा इस तरफ आपको SD कार्ड डालने का स्लॉट मिल जाता है गाइस। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो इधर पे आप इसमें माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है उस लिहाज से कि आप इसमें अलग से माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माइक कनेक्ट कर सकते हैं, आप HDMI में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसको किसी कंप्यूटर मॉनिटर से, एक्सटर्नल मॉनिटर से या TV से कनेक्ट करना है। उसके अलावा आपको USB और GPS के लिए भी पोर्ट मिल जाता है गाइस। और इस कैमरे में आपको वाईफाई भी मिल जाता है। तो आप इसको किसी मोबाइल ऐप से, नाइकॉन की जो मोबाइल ऐप है उससे इसको पेयर करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से भी। यहाँ पे आपको ये फंक्शन बटन मिल जाता है जिसको आप दबा के ISO को भी चेंज कर सकते हैं, और ये आपको फ्लैश को पॉप ऑन करने के लिए बटन मिल जाता है गाइस। गाइस, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको फोटोग्राफी के सारे ट्यूटोरियल्स तो मिल ही जाएंगे, उसके अलावा कैमरा और लेंसेज के रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो आप कौन कौन से ऑप्शंस को यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे ऊपर में एक मोड डायल मिल जाता है। तो अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप या तो M मोड यूज़ कीजिए या A मोड यूज़ कीजिए। M आपका हो गया फुली मैनुअल मोड, A आपका एपर्चर प्रायोरिटी, और S हो गया आपका शटर प्रायोरिटी, और P हो गया आपका प्रोग्राम ऑटो। तो P वाला मोड बेसिकली आपका ऑटो मोड की तरह ही चलता है, उसमें आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं मिलता। लेकिन P मोड में आप ISO को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आप ऑटो मोड में नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अच्छे फ़ोटो क्लिक करना है तो आप या तो M या फिर A या S मोड को यूज़ कीजिए। जब आप M मोड में होते हैं तब तो आपको शटर स्पीड और एपर्चर को सेट करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप एपर्चर और शटर स्पीड को सेट करें M मोड में। ठीक है, तो हमने कैमरे को, अगर हमारे इसको इन्फो देखनी है तो ऊपर में यहाँ पे एक इन्फो वाला बटन है, उसको हम दबाएंगे तो ये हमारी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जिसमें हम अपनी अभी सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं। अब अगर हमारा कैमरा M मोड में, तो ये पीछे वाला बटन, ये जो डायल है इसको हम घुमाएंगे तो अब हमारी शटर स्पीड चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं शटर स्पीड हमारी चेंज हो रही है। तो अभी हम 1855 वाला किट लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें शटर स्पीड अगर हम 1/50 या उससे ज़्यादा रखेंगे तो हमें शार्प फोटो मिल जाएगी। तो हम अपनी शटर स्पीड रखते हैं 1/50। ठीक है, अब एपर्चर हमें जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा हमें बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा रखेंगे तो कम बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। उसके अलावा लाइट भी कैमरे के अंदर कम आएगी अगर आप ज़्यादा उसकी वैल्यू को रखते हो। तो हम एपर्चर की वैल्यू को जो सबसे कम हो सकती है उसे करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैनुअल मोड में एपर्चर को एडजस्ट करना है तो कैसे करें। एपर्चर को एडजस्ट करने के लिए आपको ये जो ऊपर में एक बटन दिख रहा है प्लस माइनस का, यहाँ पर इसको दबाना होगा और साथ में इस डायल को घुमाना होगा, तब तो आपकी एपर्चर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ घुमाऊंगा और आप देखना। देखो, F7.1 हो गया, F8 हो गया। तो इस तरीके से आप एपर्चर की वैल्यू को चेंज करते हो फुली मैनुअल मोड में। तो अभी के लिए हम इसको सबसे कम सेट करते हैं 5.6 पर, और ISO की वैल्यू को हमने डाल दिया है ऑटो ISO पे। ऑटो ISO डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बार बार ISO चेंज ना करना पड़े। हम सिर्फ शटर स्पीड और अपर्चर को सेट करेंगे, कैमरा अपने आप लाइटिंग कंडीशन देख के डिसाइड कर लेगा कि क्या उसको ISO रखना है गाइस। अब ISO को कैसे आपको ऑटो ISO पे डालना है उसके लिए मैं आपको बता लेता हूँ। उसके लिए जाना होगा आपको मेनू में, आप मेनू दबाइए। ठीक है, आपको इस सेकंड नंबर का जो है, जहाँ पे ये आपका ग्रीन कलर का कैमरा बना हुआ है, शूटिंग मेनू के अंदर जाना है
और इसके अंदर आपको मिलेगा ये ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स। अब इसके अंदर ऑटो ISO सेंसिटिविटी को अगर आपका कैमरे में अगर ये ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, इसको ऑन कर देना है। और आप मैक्सिमम कहाँ तक चाहते हैं कि आपकी ISO की वैल्यू जाए तो आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इस कैमरे में अगर आप 6400 तक ISO को ले जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी फ़ोटो मिल जाएगी। तो आप इस कैमरे के लिए 6400 को सेट कर दीजिए ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स, ठीक है। और मिनिमम शटर स्पीड की कितनी आपको मिनिमम शटर स्पीड रखनी है जब आपका कैमरा शूट करे, तो अगर आप 1855 वाला किट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी मिनिमम शटर स्पीड 1/50 की सेट कर दें तो आपको काफ़ी शार्प फोटो मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैंने 1/50 की सेट कर दी, अब मेरी ISO की सेटिंग्स सेट हो चुकी है। अब कैमरा अपने आप देखो ISO को डिसाइड करेगा कि जब ये फ़ोटो लेगा। मैंने ये भी सेट कर दिया इसका शटर स्पीड, और एपर्चर को भी मैंने सेट कर दिया। अब मेरे को फ़ोटो क्लिक करना है, तो फ़ोटो मैं क्लिक कर सकता हूँ या तो इस व्यू फाइंडर के थ्रू देख के, ठीक है, या फिर मैं लाइव व्यू के थ्रू भी फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। और लाइव व्यू को ओपन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर में LV वाला बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा लाइव व्यू ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो गाइस, जब आप फुली मैनुअल मोड में होते हो तो उस केस में जब आप इस लाइव व्यू को यूज़ कर रहे होते हो तो तब आपका ऑटो ISO काम नहीं करता। लेकिन अगर आप इस लाइव व्यू को ऑफ करके फ़ोटो क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं फ़ोटो एकदम करेक्टली एक्सपोज आया है, ठीक है। लेकिन अब हमने जब लाइव व्यू को ऑन किया है फुली मैनुअल मोड में, तो आप देख सकते हैं ISO ऑटो पे नहीं है, 200 पे सेट है। तो उस केस में आपको ISO को वो जो साइड में ये जो फंक्शन वाला बटन है इसको हमें दबाना होगा, और फिर हम इस डायल को घुमाएंगे तो आप देखो ISO की वैल्यू बढ़ रही है हमारी। तो हम इसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमें करेक्ट एक्सपोज़र नहीं मिल जाता। और हम देख सकते हैं 3200 पे हमें करेक्ट एक्सपोज़र मिल रहा है, और हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया। फ़ोटो कैसे क्लिक करना है, ये ऊपर वाला जो शटर बटन है इसको दबाना है। ये ग्रीन कलर का जब बॉक्स हो जाएगा, देखो ग्रीन हुआ, हमारा फोकस लॉक हो गया और हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जब आप लाइव व्यू के थ्रू शूटिंग करते हो, फ़ोटो शूट करते हो, तो वो बहुत स्लो होता है उसमें ऑटो फोकस। तो मैं आपसे कहूँगा आप ये जो व्यू फाइंडर है इसके अंदर देख के अपना फ़ोटो लो, इससे आप ज़्यादा फास्ट फोटोग्राफी कर पाओगे गाइस। अभी मैं लाइव व्यू से इसलिए फ़ोटो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके कि क्या मैंने डिफरेंट सेटिंग्स रखी हुई है गाइस। अब हम जाते हैं ए वाले मोड में, एपर्चर प्रायरिटी वाले मोड में। एपर्चर प्रायरिटी वाले मोड में जब हमारा कैमरा होगा, अब हमें अगर एपर्चर को एडजस्ट करना है तो मैं ये जो पीछे वाला डायल है इसको घुमाऊंगा तो अब हमारा एपर्चर एडजस्ट हो जाएगा। मुझे वो प्लस माइनस वाले बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है एपर्चर को एडजस्ट करने के लिए। तो अभी मैंने एपर्चर को 4 पे डाल दिया है, ठीक है। और इस केस में शटर स्पीड और बाकी सारी चीज़ें कैमरा अपने आप से डिसाइड करेगा गाइस। तो अब मैं फ़ोटो क्लिक किया मैंने, आप देख सकते हैं फ़ोटो बड़ा ही शानदार आया है। और लाइव व्यू में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब हम ए वाले मोड में होते हैं, एपर्चर प्रायरिटी मोड में, तो आप देख सकते हैं ISO के आगे ए लिखा हुआ है। अब आपका ऑटो ISO काम कर रहा है। लेकिन जब आप फुली मैनुअल मोड में होते हो इस कैमरा में, लाइव व्यू वाले मोड में, तब आपका ऑटो ISO काम नहीं करता। लेकिन एपर्चर प्रायरिटी मोड में काम करेगा, शटर प्रायरिटी मोड में भी वो काम करेगा गाइस, ठीक है। अब हम एस वाला जो मोड है, शटर प्रायरिटी मोड, उसको भी एक बारी से देख लेते हैं गाइस। तो अब मैं कैमरे को एस मोड पे डाल देता हूँ। एस मोड में हम कैमरे की शटर स्पीड सेट करेंगे, एपर्चर और बाकी सारी चीज़ें कैमरा अपने आप सेट करेगा। अब मैं शटर स्पीड को रखता हूँ 1/40, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एपर्चर की वैल्यू कैमरा ने अपने आप सेट की है, और ISO भी कैमरा ने अपने आप सेट किया है। हालांकि ये F4 का एपर्चर भी रख सकता था, लेकिन कैमरा ने 5.6 का एपर्चर चूज़ किया है। तो इसलिए कुछ केस में आपका एपर्चर प्रायरिटी मोड ज़्यादा अच्छा रहता है या फुली मैनुअल मोड, क्योंकि उसमें आपको कंट्रोल मिल जाएगा कि एपर्चर की क्या वैल्यू आपको रखनी है। खैर, मैंने फोकस को लॉक किया और मेरा फ़ोटो क्लिक हो गया। फ़ोटो काफ़ी अच्छा आया, शानदार फ़ोटो आया है गाइस।
ठीक है। इस केस में भी आप देख सकते हैं आपका ISO काम कर रहा है गाइस। अब हम जो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं जैसे फोकसिंग वगैरह, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं बारी बारी से, कैसे उन सेटिंग्स को हमें चेंज करना है। उसके लिए मैं लाइव व्यू से बाहर आता हूँ। लाइव व्यू से बाहर आने के लिए मैं एक बार इसको हल्का सा ऐसे फ्लिक करूँगा, अब मैं लाइव व्यू से बाहर आ गया गाइस। अब मैं इन्फो वाला बटन मैंने दबाया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल रही है। अब आपको इन डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज करना है तो उसके लिए आपको ये आई वाला बटन दबाना होगा। मैंने ये आई वाला बटन दबाया तो अब मैं इन डिफरेंट ऑप्शंस में जा सकता हूँ और चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहली वाली हमारी सेटिंग है कि हम फ़ोटो की क्वालिटी क्या रखें। तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे रॉ प्लस फाइन, रॉ प्लस जेपैग नॉर्मल, ठीक है, रॉ प्लस जेपैग बेसिक। फिर ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप रॉ में शूट करना चाहते हो। अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो तो आपको शायद नहीं पता होगा कि रॉ की एडिटिंग कैसे करते हैं, या आपके पास शायद सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा रॉ फोटो को एडिट करने का, तो तब आप इसको जेपैग फाइन में डाल सकते हो इसमें, तो ये आपका अब जेपैग वाले फ़ोटो शूट करेगा। सेकंड वाले में आपको फ़ोटो की जो साइज़ है वो क्या रखनी है, तो आप इसको हमेशा लार्ज रखें, सबसे बड़ा वाला, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मिले फ़ोटो में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आ जाता है ब्रैकेटिंग का। तो ब्रैकेटिंग बेसिकली ये होता है कि आप मल्टीपल एक्सपोजर के डिफरेंट शॉट्स लेना चाहते हो, कितने शॉट्स लेना चाहते हो, ठीक है, उन दो शॉट्स के बीच में कितना एक्सपोजर का डिफरेंस हो, तो ये सेटिंग आप तब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग यूज़ नहीं करनी, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप इसको ऑफ पे रहने दो गाइस। दूसरे वाला आता है आपका HDR वाला। आप इसको हाई कर दोगे तो आपके फ़ोटो में जो डायनेमिक रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगी गाइस, तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल में आपका फ़ोटो थोड़ा नेचुरल लगेगा गाइस। फिर आपका आ गया एक्टिव डी लाइटिंग। तो इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो इसमें भी आपका जो ब्राइट एरिया है उसके अंदर ये डिटेल्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। इसको आप एक्स्ट्रा हाई पे तो मत रखो, इसको आप नॉर्मल पे रख दो, आपको अच्छा फोटो मिल जाएगा। फिर आपका आता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस आपका वाइट चीज़ों को वाइट रखने की कोशिश करता है। इसमें आपको डिफरेंट प्रीसेट भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप घर के अंदर येलो लाइट में शूट कर रहे हो, या आप वाइट कलर की ट्यूबलाइट में शूट कर रहे हो, या आप सनलाइट में शूट कर रहे हो, या फिर आप शेड में शूट कर रहे हो, या फिर आप क्लाउडी वेदर में शूट कर रहे हो, या आप फ्लैश के साथ कर रहे हो, तो इसको भी आप ऑटो पे डाल दो, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेगा क्या वाइट बैलेंस है गाय। और ये जो हमारा ISO है इसको हमने ऑटो पे ऑलरेडी डाल दिया है, तो आपको इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मेनू के अंदर से आप देख सकते हैं ISO को हमने ऑटो सेंसिटिविटी को ऑन कर दिया है गाइस, ठीक है। तो अपने आप कैमरा डिसाइड कर लेगा ए मोड में और एस मोड में क्या उसको ISO रखना है, और मैनुअल मोड में भी कर लेगा, सिर्फ अगर आप लाइव व्यू को ऑन ऑन करके यूज़ करते हो तब वो आपका नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे पिक्चर कंट्रोल। तो इसमें आपको डिफरेंट प्रीसेट्स मिल जाते हैं कि फ़ोटो में आपका कलर कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन कैसा रहे, तो आप इसको स्टैंडर्ड पे कर सकते हो। बाद में आपको कुछ एडिटिंग करनी हुई, आपको फ़ोटो को ज़्यादा सेचुरेट करना हुआ, या आपको फ़ोटो को ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने हुए, तो वो आप बाद में कर सकते हो, तो आप इसको SD यानी स्टैंडर्ड पे डाल दीजिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपके मोड्स आ जाते हैं, फोकसिंग मोड्स फोटोग्राफी में। तो इसमें आपको चार फोकसिंग मोड्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले वाला है आपका ऑटो सर्वो AF। तो बेसिकली ऑटो सर्वो AF आपका अपने आप स्विच करता है कि कब उसको कंटिन्यूस मोड यूज़ करना है, कब उसको सिंगल पॉइंट मोड यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें दूसरे वाला जो ऑप्शन है ये हमें तब यूज़ करना है सिंगल सर्वो AF, जब आपको सिर्फ एक जगह आपको अपना फोकस रखना है, और आपने एक जगह फोकस को लॉक कर दिया तो फिर कैमरा उस फोकस को मेंटेन करके रखेगा गाइस। और तीसरे वाला है अगर आपको कंटिन्यूस मोड में कैमरा यूज़ करना है कि आपका कैमरा कंटिन्यूसली सब्जेक्ट की ट्रैकिंग कर सके, तो तब आप इस AFC को यूज़ कीजिए। जब आपको ट्रैकिंग नहीं चाहिए कि आपने एक जगह फोकस लॉक कर दिया और फोकस वहीं मेंटेन रहे जब तक कि आप खुद से
दोबारा फोकसिंग नहीं करते तो तब आप AFS वाला यूज़ कीजिए। अगर आपको लोगों की फ़ोटोग्राफी करनी है कि लोग मूव अराउंड नहीं कर रहे, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, आपके सब्जेक्ट मूव अराउंड नहीं कर रहे तो आप AFS वाला यूज़ कीजिए। वरना अगर आपके सब्जेक्ट इधर से उधर मूव अराउंड कर रहे हैं, आपको उनको ट्रैक करना है, तो आप AFC यूज़ कीजिए। मैनुअल फोकस वाला आप डाल दोगे तो फिर आपका लेंस मैनुअल फोकसिंग ही करेगा, ऑटो फोकसिंग वो नहीं करेगा। अगर आपको मैनुअल फोकसिंग ही यूज़ करनी है तब आप इसको MF पे डालिए। मैं 90% ऑफ द टाइम जो फोटोग्राफी करता हूँ, तो 90 क्या मतलब 100% ही कहूँगा, मैं AFS वाला मोड यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो हम अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो तो आप AFS में काफ़ी अच्छे फ़ोटो ले सकते हो, तो आप इसको AFS में डाल दीजिए। फिर आपका आ जाता है ऑटो फोकस एरिया मोड, तो इसमें आपको मिल जाएगा सिंगल पॉइंट AF की, आपका एक ही सेंटर में एक आपका सिंगल पॉइंट हो जिसको कि आप इधर से उधर मूव अराउंड करो, या फिर ऑटो एरिया AF। अगर आप इसको ऑटो एरिया AF पे डाल दोगे तो कैमरा अपने आप आपका ऑटो फोकस पॉइंट चूज़ करेगा, और इस कैमरे में आपको 39 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं, तो उनमें से कैमरा कोई भी चूज़ कर सकता है। वैसे इस कैमरे का ऑटो वाला ऑटो फोकस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर बहुत सारे आपके फ़ोटो में सब्जेक्ट्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं तो कैमरा कई बार कंफ्यूज हो सकता है। तो उस केस में जैसे कि ये सिंगल पॉइंट AF है, जैसे इसमें चार फूल दिखाई दे रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर फूल के ऊपर फोकस करना है, ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो आप सिंगल पॉइंट AF यूज़ कीजिए। उसमें आप काफ़ी शार्प फोटो निकाल सकते हो। आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप इंसान की आँख पे या चेहरे पे फोकस पॉइंट डाल सकते हो, तो आपको काफ़ी शार्प फोटो मिलेंगे। लेकिन अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको इतना आइडिया नहीं है कि कैसे फोकसिंग पॉइंट वगैरह सेट करने हैं, तो उस केस में आप इसको ऑटो पे भी डाल सकते हो गए। ठीक है, अभी के लिए हम इसे सिंगल पॉइंट AF पे रखेंगे। फिर आपकी आ जाती है मीटरिंग। तो बेसिकली मीटरिंग होता क्या है कि मीटरिंग में आपका जो कैमरा है पूरे के पूरे सीन को देख के क्या एक्सपोजर चूज़ करता है, वो आपका मीटरिंग होता है। तो आप मैट्रिक्स मीटरिंग में जो पूरे के पूरे सीन के हर एक एलिमेंट के ऊपर जो लाइट पड़ रही है, उस लाइट को कैलकुलेट करता है और फिर उस हिसाब से कैमरा एक्सपोजर को तैयार करता है। दूसरे वाले में जो सेंटर का एरिया है उसको कैमरा देखता है सेंटर वेटेड में, और फिर एक्सपोजर तैयार करता है। और स्पॉट मीटरिंग में एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपोजर तैयार होता है गाइस। ठीक है, तो अगर आप जैसे लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, जैसे इस सिचुएशन में पीछे बिल्डिंग है या सब्जेक्ट है, तब आप मैट्रिक्स मीटरिंग यूज़ कर लो। अगर आपके मेन सब्जेक्ट एकदम सेंटर में है और बड़ा सा है, तब आप सेंटर वेटेड यूज़ करो। लेकिन अगर आप जैसे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके सब्जेक्ट का चेहरा एकदम करेक्टली एक्सपोज दिखे, तब आप स्पॉट मीटरिंग को यूज़ कर सकते हो। तो अभी की सिचुएशन में हम स्पॉट मीटरिंग को यूज़ करेंगे गाइस। फिर उसके बाद आपका ये आता है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को आप इस वाला जो ऊपर ये जो प्लस माइनस का बटन है इसको दबा के भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सपोजर कॉम्पनसेशन होता क्या है कि आपका फ़ोटो अगर काफ़ी ज़्यादा डार्क आया है या काफ़ी ब्राइट आया है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट आया है आपका फ़ोटो तो आप इसे माइनस में करो, और बहुत ज़्यादा डार्क आया तो आप इसको प्लस में करोगे। तो बेसिकली फ़ोटोग्राफी के लिए तो बस यही सिंपल सी ये सेटिंग्स थी जिनका कि आप यूज़ करके बहुत अच्छे फ़ोटो ले सकते हो। अब आपको इन ऑटो फोकस पॉइंट को मूव अराउंड करना है तो आप इस डायल से कर सकते हैं। आप देखो ये आपकी ब्लू कलर की डॉट इधर से उधर मूव कर रही है, तो आपको इसको उस हिसाब से मूव करना है। मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो इस कोने में है, तो आप इस कोने में ऑटो फोकस पॉइंट को मूव कर सकते हैं, उसके चेहरे पे या उसके ऊपर रख सकते हैं। आपका सब्जेक्ट सेंटर में है तो आप इसको सेंटर में रख सकते हैं, आपका सब्जेक्ट सेंटर के एकदम टॉप में है तो आप इसको इधर मूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये जो ओके के आजू बाजू में ये जो आपके ये बने हुए हैं इनको दबा के आप जिस डायरेक्शन में चाहें उधर इन ऑटो फोकस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है गाइस। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपको इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको क्या क्या सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी पड़ेगी गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपको मूवी रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको कैमरे को ये जो ऊपर LV का बटन है इस बटन को आपको फ्लिप करना होगा और आपको लाइव व्यू में डालना होगा। और जब आप मूवी की रिकॉर्डिंग करें, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा हमेशा आप M मोड को यूज़ कीजिए, क्योंकि M मोड में आप शटर स्पीड और एपर्चर दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे। और मूवी में
आपको ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, वरना कई बार होता क्या है कि अगर आपके कैमरे ने गलत शटर स्पीड चूज़ कर ली, जैसे कि आप एपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज़ कर रहे हैं और आपकी जो शटर स्पीड है वो आपके फ्रेम पर सेकंड वाली जो मूवी के फ्रेम पर सेकंड है उससे मैच नहीं करती, या जो आपके घर के अंदर जो लाइट्स हैं, जैसे कि होता क्या है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और यूरोप में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर के अंदर जो बल्ब्स वगैरह हैं वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, तो इसलिए जब आप घर के अंदर ऐसी लाइटिंग में मतलब ट्यूबलाइट या बल्ब की लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको शटर स्पीड हमेशा 1:50 या 1:100 या 1:200 वो रखनी है, वरना आपकी वीडियो में फ्लिकर आएगा गाइज, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा वीडियो में कैमरे को मैनुअल मोड में यूज़ कीजिए गाइज, ठीक है, तो उससे आपको पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। मूवी में आपको शटर स्पीड कैसे चेंज करनी है इसी वाले डायल से आप कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो अभी के लिए हमने 1:50 रख दी शटर स्पीड, और एपर्चर चेंज करने के लिए मैंने बताया था वो जो ऊपर प्लस माइनस वाला बटन है और ये जो पीछे का डायल है इससे आप एपर्चर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एपर्चर आपको मूवी लाइव व्यू को ऑन करने से पहले करना है। आप देखो अभी लाइव व्यू में और मैं एपर्चर चेंज कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, क्योंकि नाइकोन के कैमरा में आप लाइव व्यू में एपर्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखो मैं एपर्चर को चेंज कर सकता हूँ और उसके बाद जो मुझे एपर्चर चाहिए वो मैं एपर्चर रखूँगा, फिर मैं लाइव व्यू को ऑन करूँगा गाइस, ठीक है। अब हम जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो मूवी की हमारी क्वालिटी है वो हम कहाँ से डिसाइड करें, ठीक है, और माइक्रोफोन की सेटिंग्स, तो उसके लिए हमें मेनू में जाना होगा गाइस, तो उसी वाले मेनू में शूटिंग मेनू में हमें लास्ट में मिल जाता है मूवी सेटिंग्स, तो हम मूवी सेटिंग्स में गए, तो मूवी सेटिंग्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मूवी की हमें क्या क्या क्वालिटी मिल रही है मूवी सेटिंग्स में, तो इसको हमें जो मैक्सिमम वाली है 1920x1080 50p पे रखना है, इसमें हमें 50 फ्रेम पर सेकेंड में फुल HD वीडियो मिल जाएगी, तो हमें बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। अब मूवी की जो क्वालिटी है उसको हमें सेलेक्ट करना है, तो इसमें हम देख सकते हैं नॉर्मल या हाई क्वालिटी, तो आपको हाई क्वालिटी सेलेक्ट करना है ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगा गाइस। उसके बाद आपका आ जाता है माइक्रोफोन की सेटिंग्स गाइस, तो माइक्रोफोन की सेटिंग्स को अगर आप ऑटो सेंसिटिविटी पे डाल दोगे तो आपको अच्छी ऑडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि इस कैमरा में आप अलग से माइक को अटैच कर सकते हैं, तो आप इसको हमेशा मैनुअल सेंसिटिविटी पे डालिए, और ये जो वैल्यू है आपकी इसको आप रखें 8 के आसपास। अगर आप इसको 8 के आसपास रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ऑडियो मिल जाएगा, आपका बैकग्राउंड नॉइज़ उसमें बहुत कम होगा गाइस, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही आपकी सेटिंग्स करनी है गाइस, ठीक है। फिर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैनुअल मूवी सेटिंग्स, अगर आपका ऑफ है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, वरना आपकी मूवी रिकॉर्डिंग में आप जो डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह हैं उनको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो अगर ये आपका ऑफ है तो आप जाइए और इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमने लाइव व्यू को ऑन कर लिया है गाइस, अब मूवी रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आपको किसी चीज़ पे फोकसिंग करनी है तो आप ये वाला जो बॉक्स है आप इसको ऐसे मूव अराउंड कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला जो शटर बटन है उसको आप हाफ प्रेस कर सकते हैं ऐसे, और जब ये ग्रीन हो जाएगा हमारा फोकस लॉक हो जाएगा, और आप देख सकते हैं हम AFS वाले मोड में, तो हमने एक जगह फोकस को लॉक कर दिया है, तो अब हमारा फोकस वहीं पे लॉक रहेगा गाइस, इधर से उधर नहीं हिलेगा, और मूवी रिकॉर्डिंग अब हमें स्टार्ट करनी है तो आप ऊपर ये देख सकते हैं रेड कलर का बटन, मैंने इस बटन को दबा दिया और आप देख सकते हैं मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे टाइम भी चल रहा है गाइस, आप देखिए यहाँ पे टाइम चल रहा है, ठीक है, और हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत ही सिंपल है मूवी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना, और एक बार हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी अब मुझे मान लीजिए ऑटो फोकस पॉइंट यहाँ से चेंज करना है तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसको एरोज को घुमा के और फिर इस बटन को हाफ प्रेस करके, तो मूवी रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा कर सकते हैं, और क्योंकि हम AFS वाले मोड में थे तो एक जगह हम फोकस पॉइंट को लॉक कर देंगे तो वहाँ पे हमारा फोकस लॉक रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूस ऑटो फोकस चाहिए वीडियो में ताकि आपका
जो सब्जेक्ट है उसकी ये ट्रैकिंग करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। मूवी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए वापस से आप वो ऊपर वाला रेड बटन दबा दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अब आप आई वाला ये बटन दबाइए, ठीक है, और हम दोबारा से जाएंगे फोकस मोड में। अब आपको यहाँ पे AFF वाला मोड चूज़ करना होगा अगर आपको कंटिन्यूस ऑटो फोकस चाहिए लाइव व्यू में मूवी रिकॉर्डिंग के दौरान, ठीक है। हमने AFF वाले मोड को चूज़ कर लिया गया है। फिर जो आपका AF एरिया मोड है, उसमें अगर आप अपने चेहरे की ट्रैकिंग चाहते हैं, आप लेंस के सामने बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो आप फेस प्रायोरिटी AF पे इसको डाल सकते हैं। आप इसको इस पर डाल देंगे तो अब जब आप कैमरे के सामने जाएंगे तो आपका कैमरा आपके चेहरे को फोकस करने की कोशिश करेगा, आपके चेहरे की ट्रैकिंग करेगा और ये आपके चेहरे को फोकस में रखने की कोशिश भी करेगा। लेकिन गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इस मोड को यूज़ ना कीजिए। हालांकि ये आपके आप अपने आप को मतलब आपको फोकस करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन नाइकॉन के कैमरा में कई बार थोड़ी बहुत फोकस हंटिंग हो सकती है, तो उस वजह से कई बार आपकी वीडियो ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि इस कैमरा में जो कैनन का डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी जैसा जितना अच्छा ऑटो फोकस सिस्टम नहीं है, ठीक है, स्मूथली ट्रांजिशन नहीं होता, हल्की फुल्की हंटिंग होती है गाइस। तो अब मैं इस वाले मोड को भी दिखा देता हूँ। अब मैंने मूवी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया है और रेड बटन मैंने दबाया। अब देखिए मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं सामने जाऊँगा लेंस के और ये मेरे चेहरे को फोकस करने की कोशिश करेगा, फिर आप देख पाएंगे कि हंटिंग कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नॉइज भी आ रही है, घस 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 कर रहा है। अब मैं देखो फ्रेम से बाहर गया, मैं वापस आया, देखो फिर से फोकस करने की कोशिश कर रहा है मेरे चेहरे को। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है गैस अगर आप इस वाले मोड को यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा आप इसको AFS वाले मोड में यूज़ कीजिए और एक जगह आप अपना फोकस फिक्स कर दीजिए और फिर आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। अगर आपको जैसे कि YouTube के लिए वीडियो बनानी है, जैसे मेरा सामने वो गिटार रखा है, ठीक है, आप उस गिटार पे पहले फोकस कर दीजिए, अपनी वीडियो स्टार्ट कर दीजिए और फिर वहाँ जाके बैठ जाइए और अपनी वीडियो बना लीजिए और बाद में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं फोकस हंटिंग को दूर करने के लिए गाइस, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्डिंग अब हमें स्टॉप करनी है तो हम ये ऊपर वाला रेड बटन दबाएंगे और हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी गाइस। तो देख सकते हैं आप इसमें ISO वगैरह जो है आपको मैनुअली ही सेट करना पड़ेगा अगर आप फुली मैनुअल मोड में हैं, ठीक है। तो लाइव व्यू में आपको जैसे मैंने पहले बताया ही था ISO को मैनुअली सेट करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस उसके अलावा एक दो फीचर्स और हैं, हम देख लेते हैं। आपको आई बटन दबाना है तो इसमें भी आप मीटरिंग और ये जो क्वालिटी है ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। आई थिंक ये हम पहले देख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे ये सब चीज़ें सेट करनी है गाइस। तो बहुत ही सिंपल सा कैमरा है गाइस यूज़ करने में। मैंने पूरे कैमरे का आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया, कैसे आपको वीडियो से शूट करनी है, कैसे आपको फोटोग्राफी करनी है गाइस। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं गाइस। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो आप लोगों के लिए गाइस। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। इसके अलावा गाइस जो बाकी और डिफरेंट कैमरा है उनके ट्यूटोरियल भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और इन्हीं सब कैमरा के रिव्यूज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं गाइस।